इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी सुपर शेल आईडी के अंदर हमें इस तरीके से दिखाई देता है समथिंग वेंट रॉन्ग। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने क्लैश रॉयल के अंदर सुपर शेल आईडी के अंदर। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है, मुझे फेस करने के लिए मिल रही है, तो मैंने इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है जिससे कि मैं आगे इसको प्रोसेस कर सकूं, ये आप ध्यान से देखिएगा। और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर समथिंग वेंट रॉन्ग दिखाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों दिखाता है और इसका सोल्यूशन क्या है। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, अगर कभी भी आपको दिखाए तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर सुपर आईडी को जिससे भी गेम से भी यूज़ कर रहे हो उसको सर्च कर लेगा, जैसे क्लैश रॉयल, इसमें जो है आप अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये थी पूरी सुपर शेल के जो गेम्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो अपडेट करके रखिएगा, जौन सा भी गेम हो उसे आप अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बैक ला दीजिए, बैक ला दीजिए और यहाँ से बैक ला दीजिए। एंड उसके बाद जो है आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट सेटिंग्स अब आएंगी, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी नीचे जाना है और एडिशनल सेटिंग्स आपको मिलेगी, तो इसे खोल लेना है और डेट एंड टाइम पर जाना है। यहाँ से कभी भी डेट एंड टाइम को डेट से अलग मत रखिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि जब डेट नहीं रहती है तो सर्वर में इशू आते हैं, सर्वर कनेक्टिविटी उसको नहीं दे रहा और एप्लीकेशन में ही दिखा देता है। ठीक है, गेम्स या एप्लीकेशन या सुपर आईडी, सुपर सेल आईडी के अंदर दिखा देता है। उसके बाद बैक ला दीजिए यहाँ से, और बैक लाने के बाद आप जो है यहाँ पर कनेक्शन एंड शेयरिंग पर जाइए और यहाँ से अपने सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क की जो सेटिंग्स है उसको रीसेट कर लीजिए, इससे आपका इंटरनेट अच्छा चलेगा। और फिर बैक ला दीजिए। अब यहाँ पर जो है आप ऐप्स में जाइए, मैनेज ऐप्स में जाइए और यहाँ पर गेम को सर्च कर लीजिए और इसे खोल लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको दिखा दिया जाएगा फोर्स स्टॉप, फोर्स स्टॉप कर दीजिएगा। एंड रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज, सबसे मेन इम्पोर्टेंट, यहाँ पर अगर एक आधा अनटिक लगा हुआ हो तो सब पर टिक लगाकर ओके कर दीजिएगा। ठीक है, इतना ही आपको कुछ करना है। उसके बाद अपने फ़ोन को बंद करके खोलिए एंड सुपर सेल आईडी को यूज़ करिए, वो परफेक्टली यूज़ में आ जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये प्रोसेस रहता बस इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।